और किधर मामी, जंगल में किधर? वो हाथी है उधर तो नहीं ना? हाँ उधरे। तो फिर हाथी सब होगा तो फिर डर नहीं लगेगा हमको? पूरा पक गया ना। तो देखिए दोस्तों, एकदम बारिश के मौसम में हम लोग को क्या मिल गया देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आज देखिए पूरा सुबह से ही झमर झमर बारिश शुरू हो गया है, अभी बरस रहा है दोस्तों। देखिए एकदम पूरा और कैसा मेरा आंगन हो गया देखिए। और खुशी अभी दरवाजा के सामने निकल के अभी देख रही है बारिश का नज़ारा। कहाँ खुशी? अरे मम्मी कहाँ गई रे? यहाँ भीग जाएगी, भीग जाएगी, भीग जाएगी, उधर जाओ, दीदी पास जाओ, जाओ। तो देखिए दोस्तों, दादी अभी अंदर बैठी है और बाहर का नज़ारा देखिए कैसे एकदम झिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है। मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों एकदम। तो चलिए अभी खुशी मम्मी बर्तन साफ़ करने गई है, तो उधर ले कर चलते हैं, उधर कैसे साफ़ कर रही देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी खुशी मम्मी होदे के पास यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी, तो साफ़ हो गया जी ना? तो पूरा एकदम झिम झिम साफ़ कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, तो यही लाख से नहा लेंगे ना थोड़ा। अच्छा, तबीयत खराब होगा तभी? तबीयत खराब होगा ना तो कोई इलाज इलाज नहीं, बारिश में डॉक्टर भी नहीं आएगा, डायरेक्ट बोल देगा कि कहाँ से कहाँ है। चलिए छापा का हुआ, मम्मी लेके चल गई, मम्मी लेके चल गई। और एक दूसरा था ना, बोला पता नहीं। तो हो गया, चलो चलो बारिश में नहीं भीगना है। चलो तो चलिए दोस्तों, देखिए एकदम बारिश में भी भीग के बर्तन साफ़ कर रही है पूरा। तो चलो तो दोस्तों देखिए लेके आ गए घर और हम भी आ गए। और देखिए इधर खुशी अभी क्या कर रही है, क्या कर रही है खुशी? अरे मक्का पका के रख दिए दो, दे दो, 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 दो। तो मक्का मिला जी, कहाँ है मक्का? और है और चाची घर से खरीद के लाए थे। तो पका दीजिए जी, पका दीजिए, कहाँ है? ओ इधर रखा है। तो देखिए दोस्तों एकदम हरा हरा ताज़ा ताज़ा एकदम मक्का है, का सुबह लाई थी ना? अच्छा तो पकाइए। तो देखिए दोस्तों अपन मक्का अपन झीक दी है और देखिए फूक फूक के पका रही है, तो बहुत मस्त एकदम, बहुत अच्छा लगेगा जी ना? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम बाहर बैठते हैं, इधर आप पका के दीजिए है ना। तो खुशी दो हमको मक्का, दो चलो दो मक्का दो। तुम खा रही है कि वैसे? तो मक्का पका खा लिए दोस्तों, और एक मक्का पकाई थी तो हम लोग दोनों टुकड़ा करके खाए, और एक है तो अभी मम्मी दादी खाएगी। और अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं दोस्तों। देखिए अभी चावल आज बनाई है एकदम डोंटू डोंटू, और दोनों एकदम बैठ के खा रहे हैं। तो दोस्तों खाना खा लिए, और देखिए अभी भी बारिश होते ही है, एकदम पटर पिटी लगा दिया है देखिए। और देखिए दोस्तों अभी खुशी मम्मी कहाँ चढ़ गई है, माचा एकदम देखिए माचा चढ़िए दोस्तों, गैया बच्चा सब अंदर में ही है तो उन लोगों को देने के लिए। क्या है कि दोस्तों यहाँ देखिए पानी पूरा जमा हो गया है तो यहाँ दे नहीं सकते हैं, और सुबह से दिए भी नहीं है दोस्तों। और हम लोग खाना खा लिए, खाना खा लिए, मक्का खा लिए, तो अभी सोच रहे हैं कि गैया बच्चा को दे देंगे, हम सोच रहे थे। और देख रहे हैं अभी खुशी मम्मी आ गई और दे रही है अवधन, तो भीगा नहीं है ना? तो चलिए गिराइए। तो देखिए दोस्तों अभी पुआल गिरा रही है, तो चलिए दे देते हैं गैया बच्चा सबको। तो दोस्तों देखिए पूरा पुआल गिरा दी, और अब चलो उतरो आराम से, गिरना मत। चलो कैसे चल रही है? तो देखिए दोस्तों उतर गई है, तो दे दीजिए है ना। हाँ, अरे सुबह कुछ मिला नहीं है ना, इसीलिए हम लोग एक थार खा लिए। तो है ना सुबह से दे देना चाहिए, तो चलिए बारिश हो रहा था ना। तो देखिए दोस्तों आधा ही ले जाओ ना, सब ले जाइए। हाँ सब ले, चलो। तो देखिए दोस्तों अभी लेके जा रही है और हम ही वाला लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा था तो ये वाला हम लेके जा रहे हैं। मुर्गी सबको भगाओ नहीं तो पूरा ही चढ़ देगी। तो देखिए दोस्तों अब रख दिए, अब देखिए आराम से एकदम खाएगी। और खुशी मम्मी जो है जो गोबर है वो सबको थोड़ा बाहर के झाड़ू लगा थोड़ा साफ कर दे रही है। तो दोस्तों उधर साफ सफाई कर दी, उसके बाद अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो गया है दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों मम्मी गई थी बकरी चराने, तो अभी सारा बकरी ले आई लेकिन एक बकरी छोड़ के आ गई। छोड़ रखा है। हाँ दोस्तों एक छोटा सा पूरा कूदा लो ना। हाँ दोस्तों, तो जंगल में वो बकरी बहुत एकदम दौड़ने लगी, और बच्चा छोटा बकरी थी, छोटा उसको हम लोग मेमना बोलते हैं, तो थोड़ा बड़ा मेमना था,
तो वही वाला बहुत एकदम दौड़ाई तो मम्मी छोड़ के एकदम आ गई है। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं ढूंढने, तो किधर मम्मी जंगल में किधर, वो हाथी है उधर तो नहीं ना? हाँ उधर, तो फिर हाथी सब होगा तो फिर डर नहीं लगेगा हमको? बड़का जंगल में है जी। तो इधर ही है ना, वो नदी के उस पार नहीं ना? नहीं नहीं। ओ तो दोस्तों इधर ही है नदी के उस पार में, उधर हाथी सब रहता है। तो अभी बारिश हो रहा है फिर भी डर लगता है, तो अभी दिन है तो अभी उतना कुछ डर नहीं लगेगा, दूरे से देख के भाग जाएंगे। तो जा रहे हैं अभी खोजने, है ना? हाँ। तो दोस्तों घर से निकल के आ गए हैं अपन जंगल की तरफ। तो देखिए सामने में ही जंगल है, तो ये जंगल में नहीं दोस्तों, इससे पार होके और एक जंगल है, वही जंगल में बता रही थी। तो चलते हैं फटाफट वहीं पे। तो चलिए इधर तो सामने ही है दोस्तों, देखिए उधर दिख रहा है हम लोग का महुआ का पेड़, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, ढूंढेंगे अब किधर गया किधर नहीं। और बारिश का दिन है ना दोस्तों, बहुत डर रहता है और जंगली जानवर का भी खतरा रहता है। और दोस्तों ये सामने वाला ही जंगल में रास्ता गुजरा हुआ है, देखिए इधर ही रास्ता गया है। तो एक बार दोस्तों यही रास्ता हम उधर आगे तरफ हाथी सब रुका हुआ था, अभी तो इधर फिलहाल नहीं है। तो चलिए जंगल से थोड़ा पार होते हैं फटाफट, कहा कि ये जंगल में उतना घना नहीं है दोस्तों, उतना नहीं, लेकिन उधर थोड़ा दूर जाएंगे तो उधर थोड़ा घना है और झाड़ी ज़्यादा है। तो हाथी सब आया था तो उधर ही था, और आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में, अगर तो अगर नहीं भी देखे हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कितना विशाल विशाल हाथी सब आया था। तो चलिए ये जंगल पार करते हैं और आगे वाला जंगल चलते हैं। तो दोस्तों देखिए जंगल पार कर गए हैं और इधर वाला जंगल जाएंगे, और देखिए इधर अभी सामने में भैंसा चरा रहे हैं, तो इधर सामने में ही मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं दोस्तों, जंगल हमको नहीं घुसना पड़ा दोस्तों, मेरा जो मेमना था वो निकल के देखिए उधर से अभी आ रहा है। क्या दोस्तों देखिए दौड़ते हुए आया और उसके पीछे एक सियार था, तो ये डायरेक्ट घर की तरफ दौड़ा और हमको देखा है, तो अभी देखिए आराम से जा रहा है दोस्तों। क्या दोस्तों जंगल में काफ़ी ज़्यादा सियार है, तो पकड़ने के लिए जब दौड़ाया ना तो ये एकदम घर का रोह अदन रोड पकड़ लिया है। तो देखिए अभी दौड़ते हुए जा रहा है, तो चलिए अब हम पीछे पीछे चलते हैं। तो देखिए अब हम घर की तरफ जा रहा है, एकदम रास्ता भांज लिया है एकदम, तो चलिए लेके चलते हैं घर। तो दोस्तों मेरा बकरा देखिए रास्ता पकड़ लिया है, अभी जा रहा है, देख सकते हैं आगे आगे। तो चलिए वो आगे आगे जा रहा है, हम पीछे पीछे देखते ही जाते हैं, वैसे अब वो सीधे डायरेक्ट घर चलेगा। तो अब ले आए हैं, अब देखिए थोड़ा गेट लगा है तो खोलते हैं। अच्छे दोस्तों अब जा रहा है, और भी बकरी सब है उधर, तो देखिए अब चला गया, तो चलिए छोड़ देते हैं उधर, अब उधर आराम से रहेगा। और चलिए अब छाता रखते हैं, और देखिए बारिश क्या लगा दिया अपन, थोड़ा थोड़ा लगा ही दिया। तो दोस्तों देखिए अभी आ गए हैं बैगन लगाने, और खुशिंग मम्मी किधर से खोद के लाई है बैगन, कहाँ लाई है जी? वो चाची का बारी में था, तो बोली चाची घासा कुबार रही थी, तो हम बोले कि बैंगन भी अच्छी था, देखे तो बस कुबार के ले आए। ओ तो चलिए दोस्तों ये वाला अभी लगा देते हैं, काहे कि बारिश हो रहा है तो ऐसे में अच्छा लगेगा, तो जल्दी लग जाएगा। हाँ तो चलिए लगा देते हैं ना। तो चलिए दोस्तों थोड़ा चूभी काटते हैं, क्या पहले ही काटे थे, तो ये वाला मिर्ची के लिए थोड़ा नज़दीक चाहिए और बैगन के लिए थोड़ा सा दूर चाहिए, तो थोड़ा दूर दूर में चूभी करते हैं। तो कर देते हैं चूभी फटाफट, है ना? हाँ। तो हम रोपते हो, इसमें गोबर बाद में डालेंगे। हाँ। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे चूभी कर दे रहे हैं, तो देखिए चूभी कर दिए, उसके बाद एक यहाँ भी कर देंगे। तो दोस्तों देखिए चूभी कर दिए, रवि खुशी मम्मी देखिए रोपते आ रही है, और ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा इधर है, तो हो सकता है कि और दो उधर और करना पड़ेगा, तो चलिए उधर भी कर देंगे और खुशी मम्मी रोप देगी पूरा। तो दोस्तों देखिए चूभी भी कर दी और खुशी मम्मी पूरा रोप दी। हाँ, हो गया ना। तो देखिए दोस्तों अब इधर बचा हुआ है, तो इस तरह भी कुछ ना कुछ ला के रोपना है दोस्तों, क्या है कि बारी को परती नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों देखिए हम लोग इधर आए हैं, तो अभी हम लोग को पका हुआ केला मिल गया है, देखिए और हम लोग का ही केला अभी पका हुआ है। तो और भी पका है कि दो ही पका था जी? दो ही पका था। देखिए और होगा और नहीं है जी? हाँ, मतलब और एक दो दिन के बाद पकेगा ना? हाँ, छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों दो एकदम फटाफट आके तोड़ी है, तो दो एकदम तोड़ के निकाली है दोस्तों, देखिए पूरा पक गया ना। तो देखिए दोस्तों एकदम बारिश के मौसम में हम लोग को क्या मिल गया देख सकते हैं, एकदम केला मिल गया क्या? हाँ दोस्तों केला मिल गया, देखिए अपना ही केला, देखिए फाय भी दी खाने के लिए, बहुत अच्छा है जी, कैसा लग रहा है खा के बताइए फटाफट। हाँ खा रहे हैं। हाँ दोस्तों देखिए हम लोग का बारिश के मौसम में अभी केला मिला, फिर कुछ दिन के बाद अमरुद मिलेगा, उसके बाद आम तो मिला वो चला गया, पपीता भी खा के ख़त्म कर दें, अभी केला मिल रहा है, तो देखिए एकदम खा रही है कैसे, देखिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अच्छा। तो चलिए दोस्तों अब हम भी खाते हैं एकदम।
तो दोस्तों देखिए पका केला खा लिए, अभी कांचा वाला एक तोड़ी है और देखिए अभी कांचा वाला खाएगी। तो ये वाला हम मेरा अपना है इसलिए हम खाएंगे और ये वाला आप कांचा वाला खा के टेस्ट करेगी। तो खाइए जो है ना, एकदम बारिश में मिला है दोस्तों, एकदम नया नया फल केला। तो चलिए अब बारिश में होने लगा, चलिए 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 भीग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप घर चलेंगे, आ जाओ जल्दी। तो देखिए दोस्तों आप बहुत धो लिए हैं और देखिए खुशी की मम्मी बर्तन भी साफ़ कर ली है और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया तब खाना वाना बनाएगी। तो चलिए जी ले लीजिए, ये वो लेते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या है, पानी खाली है दोस्तों, चलिए अब घर ले चलते हैं। दोस्तों लेके आ गए हैं और दादी खुशी यहाँ अंदर में खेल रही है, तो रख दीजिए और ये वाला भी लीजिए। चलिए दोस्तों अब अंदर में रख दीजिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग आए, उसके बाद जो लगा दिया है झमाझीर बारिश तो अभी हो ही रहा है और देख सकते हैं हम लोग यहाँ दावा भर रहा है अभी इधर घर से अपना देसी नल अभी चल रहा है। देसी नल नहीं, ये प्राकृतिक नल है जो घर से गिर रहा है एकदम ऊपर से पानी, तो देख सकते हैं कितना भी गिर रहा है। और अभी दोस्तों अभी लाइट उट कुछ भी नहीं है, तो पावर का भी कुछ भी अभी व्यवस्था नहीं है। और इधर देखिए अभी अंधेरा में ही खुशी मम्मी अभी चावल बना रही है, देखिए एकदम बैठ के, तो अंधेरा में बैठ के अपन बना रही है जी। लाइन काट गया तो क्या करे। तो हाँ दोस्तों वैसे लाइट का यहाँ अभी बहुत दिक्कत है, तो अभी यहाँ देखिए तो एक दिया जला लो, दिया जला लो। देखिए हम लोग का देसी लालटेन यही है, देख सकते हैं। तो देखिए अब जला दी, तो चलिए खाना बनाइए। खाना बन गया और देखिए सब्जी भी बना ली है और खुशी मम्मी बाट भी ली है। तो देखिए इधर चावल है दोस्तों और सब्जी भी है। तो चलिए मम्मी दादी अभी बैठ गई है, अब हम भी बैठने के लिए जा रहे हैं और खुशी मम्मी देखिए लेके आ रही है। तो चलिए दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों देखिए अब बैठ गए हैं और मम्मी भी बैठी है और देखिए इधर चावल भी दे दी। तो चलिए अभी खाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज भी ताज़ा ताज़ा एकदम बोदी वाला सब्जी है, देखिए भुंजिया है, वैसे कुछ और नहीं है इसलिए भुंजिया ही बना है दोस्तों। और देखिए दादी भी उधर बैठ गई है देखिए, लेकिन यहाँ लाइट नहीं होने के कारण दोस्तों, हाँ दोस्तों क्या है कि बारिश के कारण लाइट नहीं है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग खाते हैं अभी सब। तो फाइनली दोस्तों हम लोग खाना खा लिए हैं और अभी देखिए खुशी उठ गई है सो के, क्या खुशी। तो देखिए अभी मेरे पास आने के लिए खोज रही है, तो चलिए अभी लेंगे। तो दोस्तों अभी तो बारिश फिलहाल छूट गया है, अभी छूट गया है बारिश, लेकिन हम लोग का दोस्तों अभी पावर भी नहीं आया है, अब पता नहीं रात में आएगा कि नहीं आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्तों। और ऐसे इधर थोड़ा सा भी बारिश आता है तो एक दो दिन तक पावर नहीं आता है, तो देखते हैं आएगा रात में तो सही, मतलब ठीक ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।